हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक अलग तरह की सिवाई लेकर आई हूं जो कि बिना खोए की बन जाती है और बहुत जल्दी बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक पैन में 2 छोटे चम्मच देसी घी लीजिए। देसी घी से सिवाई की महक बहुत अच्छी आती है। अभी हम थोड़ा कम घी डाल रहे हैं क्योंकि अभी बाद में और घी डालेंगे। अब 2 छोटी इलायची डालिए। छोटी इलायची से भी सेवई की महक बहुत अच्छी आएगी। छोटी इलायची घी में जस्ट भुनने लगी है। अब 1 कटोरी भुनी हुई सेवई डाल दीजिए और धीमी धीमी आंच पर इसे भूनिए, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ये जल जाएगी। जब पूरा घी इसमें अच्छे से जस्ब हो जाए तब फिर इसे भूनना बंद कर दीजिए। अब ये भून चुकी है, इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसी पैन में 2 छोटे चम्मच घी डालिए। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें छोटी इलायची डाल दीजिए और 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दीजिए। थोड़ा जर्दे का रंग डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस दूध को तब तक खौलाइए जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे धीमी आंच पर खौलाइए। इसमें 1 कटोरी चीनी डालकर गाढ़ा होने तक पकाइए। दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें सेवई डाल दीजिए और सेवई डालकर धीमी धीमी आंच पर इसे पकाइए। तेज़ आंच पर ये सेवई नहीं बनेगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगी। आंच को धीमी रखिए और इसे लगातार चलाते रहिए। ये देखिए कितनी अच्छी सेवई दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसका टेस्ट रबड़ी जैसा आएगा। बस इसे 5 मिनट पकाएं और ठंडी सेवई को सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।